आज निकले हैं अयोध्या के लिए, चल रहे हैं अभी गांव से निकले हैं। तुम्हारी दोस्त है मेरे, ये भी निकल रहे हैं साथ ही में। और तो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मेरा नाम करण है और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और चल रहे हैं अभी अयोध्या के लिए और आपको पूरा टूर दिखाते हुए चलेंगे, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कौन सी रोड पड़ेगी और कहाँ पे है, तो ये हम लोग आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं आगे रोड पे। तो ये जो है जीटी रोड पे अभी निकल चुके हैं और ये अपना सीधा जाएगी अकबरपुर रोड पे, मतलब सॉरी अकबरपुर गया, ये जाएगी फैजाबाद और अयोध्या के रोड पे। चलो ठीक है निकलते हैं, संभल के चलना है। आज मंगलवार है और मंगलवार को भीड़ ज़्यादा रहती है क्योंकि लोग काफ़ी दर्शन करने लिए आते हैं अयोध्या मंदिर की। वहाँ पे जो हनुमानगढ़ी है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके लिए बहुत सारी भीड़ होती है। चलेंगे अभी हनुमान जी के दर्शन करेंगे और जो पॉसिबिलिटी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर कैमरा वगैरह, जहाँ पर कैमरा वगैरह नहीं अलाउ होगा तो वहाँ पर नहीं नहीं तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन बाकी जहाँ जहाँ अलाउ होगा क्या है अयोध्या का सही सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। तो अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या के जो मेन मार्केट है, जो यहाँ से जो जहाँ से मंदिर शुरू होती हैं, यहाँ सब आपको जो है ये मार्केट की आपको नज़ारे दिखाएंगे जो अयोध्या की मार्केट है, ठीक है। और अभी हम लोग चल रहे हैं हनुमानगढ़ी दर्शन, जो मंगलवार है तो पहले दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आगे का जो है प्रक्रिया शुरू करेंगे घूमने का, हमने कहा जहाँ भी जाने वाने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं कि कहीं चल के हम लोग रोके, वहाँ से प्रसाद लें और उसके बाद जो है दर्शन करें, उसके बाद आगे काम बढ़ाते हैं। गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी हम लोग को, है ना? कहाँ पे हो? गड़िया खड़ी करने का थी, लग के नहीं है। तो भी प्रसाद साथ लेने का, यहाँ से प्रसाद अगर ले लेते हैं मानगढ़ी। बहुत ज़्यादा तो अभी निकल चुके हैं, दर्शन हो गए हनुमानगढ़ी के और चल रहे हैं अपन अयोध्या घाट, मतलब जो सरयू घाट है वहाँ पे। राम मंदिर है, राम जन्मभूमि भी बंद है ना, क्यों? हाँ, अभी एक्चुअली क्या है, सुबह 4 बजे से लेकर केवल 11 बजे तक भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं। हाँ। उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद फिर से लगातार दर्शन होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। हाँ, तो हम लोग लेट आने में एक्चुअली थोड़ा दुर्भाग्यवश लेट हो गया। हाँ। इसीलिए हम लोग दर्शन ना कर सके। तो अभी जो भी घूमने लायक जगह है, स्पॉट है, वो आपको चल के दिखा देते हैं, हम भी घूम लेते हैं। हम लोग घूम चुके हैं कई बार, लेकिन अब आप लोगों को भी घुमा देते हैं। ये तो मार्केट है सिंपल सी। So long I've run
यहीं पर बैठ के भगवान आचार्य तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, उन्हीं के नाम इस उद्यान को तुलसी उद्यान कहते हैं। और उसके ठीक बगल में भरत मंदिर है, ये लेफ्ट लेना ना। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है राम की पौड़ी, है ना। तो अगली वीडियो में हम राम की पौड़ी और अयोध्या के कुछ जो मेन मेन जगह हैं वो आपको दिखाएंगे, है ना। ये वीडियो यहाँ तक थी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो भैया लाइक कमेंट करो। अब राम पौड़ी के बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और भी अयोध्या के बारे में बात करेंगे, मतलब दिखाएंगे, बात ही नहीं करेंगे आपको। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं चैनल पे, तो बेल आइकन दबा के रखें। सबसे बड़ी बात इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, राइड वाइड की जो भी चेक करता हूँ, कोई ब्लॉगर आता है तो वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। तो प्लीज़ जाके वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लें, इंस्टा पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में अयोध्या में कि और वीडियो के साथ, है ना, क्योंकि मेरे पास में ही है अयोध्या, घर के पास में ही है, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।